हेलो जी, मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर। एक खबर मैं देख रही थी जो चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अरेबियन सी में देखे गए हैं और उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जब कहीं पर मौजूद हो तो उसमें कितना इक्विपमेंट हो सकता है, और जब वो किसी जगह पर चलते हैं किसी सी में, जैसे कि अरेबियन सी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो उनके वो कैसे नज़र आते हैं। अब उनकी एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा ये जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब अरेबियन सी में है तो आप इसको कहेंगे कि ये किसके लिए, ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं समझती कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अरेबियन सी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, आप इसका भी तजिया कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थ्रेट करने से ज़्यादा या पाकिस्तान को दिखाने से ज़्यादा कुछ और कंट्रीज़ को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो अगर उनको करना था तो कोई और तरीका होता, कहीं और जाते, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट करियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर खबरें चलेंगी। तो चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है, या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए है। इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए है या नहीं, लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको खबर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात कि ना, हम ये बात अगर करेंगे जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं अरेबियन सी में देखे गए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं, ये तो उस इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। यानी किसी हर जगह पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म उस पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है जंग में। उन्होंने नेटो को इनकार इसलिए कर दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा माइंडसेट नहीं है, हम नहीं किसी मिलिट्री अलाइंस में आना चाहते। और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके पीएम की तरफ से प्रेसिडेंट पुटिन को बाकायदा कहा गया था कि ये तो इरा नहीं है जंग का, आप कहाँ जंग करने बैठ गए। अब किसको कहा है उन्होंने, अपने बड़े स्ट्रॉन्ग अलाई को, यानी रशिया के, उसको कहना बड़ी बात है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब वो उन्होंने जंग की हुई है, और जंग की हुई है, अगर कोई ये कहता है कि नहीं जो रशिया है नहीं वो तो बेचारा है, तो ये गलत कहता है, रशिया ने ही जंग की हुई है यूक्रेन पर। देखें, इसमें हम ये देखें कि वहाँ पे उनकी आबादियाँ थीं, अगर आपके उस पे बैकग्राउंड में या आपके बैकयार्ड में कोई अपनी वो बनाकर बैठा हुआ होगा तो क्या आप उसको उठाएंगे, नहीं, ये तो फिर हम लंबे उसमें चले जाएंगे। ठीक है, यानी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जंग से। देखें ना, अगर हम इसको ये कहें कि जी उसने अपने उसको उस एरिया को सेफ करने के लिए, वो वापस लेने के लिए, या कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, या ये यूक्रेन ने वो गलत किया हुआ था उसने वो करने के लिए किया है, और उसके बाद हम आगे चलकर ये देखते हैं कि इससे ये वाली जंग जो है ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो क्या आप तब भी सही कहेंगे इसको। अगर ये आग आपके घर भी पहुँच जाएगी तब भी हम यही कहेंगे हाँ रशिया ने ठीक किया था जो किया था उस वक्त, हमला हमला तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं तो इसको इसी तरीके से देखती हूँ, हालांकि मैं रशिया को बड़ा पसंद करती हूँ, ऐसी भी बात है, मतलब बहुत उनकी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पसंद किया जाता है, लेकिन इस बिना पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो यूक्रेन पे जो उन्होंने किया है वो सही है, वो गलत ही है, वो गलत ही रहेगा, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। खैर, हम एक अलग टॉपिक की तरफ चले गए, हम वापस मुड़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि ये जो टू इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे गए हैं अरेबियन सी में, तो इसमें एक बात तो है कि अपनी ताकत दिखाई है इंडिया ने, ये बात तो मैं मानती हूँ, उन्होंने नहीं भी दिखाई, दिखानी चाहिए तो वो दिख गई है। अब उसमें कितना क्या कुछ है वो भी उन्होंने दिखाया कि देख लें हमारे पास क्या। अच्छा, अब ये दुनिया को बताने के लिए ज़रा ध्यान से हमारी तरफ, मेरा तो ख्याल है कि चाइना भी वो देख चुका है, खबर जो है वहाँ तक भी पहुँची है, उसको भी ये पता चला है। तो दूसरा ये भी है कि कोई चढ़ाई करने की कोशिश की तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़े और हम कहें कि भाई पाकिस्तान है तो हो सकता है, यानी बिल्कुल आप ये तो नहीं कर सकते उसको 100% ऑप्शन आउट कर दें, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि उस तरफ से ही कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी होती है हमारे खिलाफ़,
तो अब ये कहा गया हो कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लो हम तो जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं। हालांकि मिसाइल जो है वो उस तरफ से उड़ के आता है, यार वो जो उड़ता उड़ती कोई चीज़ आई थी ना जिसका हमें कई दिन के बाद पता चला था, ऐ की आया जी, ये पतंग है, ये काइट है, ये की है, ये तो पता है लग गया वो तो मिसाइल है गए। तो जड़ा मिसाइल सी वो सानू मतलब हमारी आंखें बाद में खुली, तो वो तो वहाँ पर मिसाइल जो है वो आ चुका है, आपको पता है उनका गलती से आ गया। गलतियाँ हो जाती, टाँकी मारते भी चल जाती हैं चीज़ें। तो चल गया उनसे, लेकिन उस पर बैरम वो तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो बात ये है कि उन्होंने अपने S-400 भी लगाए हैं हमारे बॉर्डर्स पे। हमारी जो इस वक्त, मैं इसको क्यों नहीं मान रही कि ये पाकिस्तान के लिए, इसकी वजह ये है कि हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो ये ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मतलब इस काबिल हैं कि हम किसी से जंग करें, किसी पे चढ़ाई करें, या हम जो है हम हल्ला बोल दें या हमला कर दें। हमें तो अपनी पड़ी हुई है भाई, हमारे तो अंदर ही एक दूसरे के ऊपर हमला किया हुआ है, हल्ला बोला हुआ है एक दूसरे के ऊपर। खान साहब के जो हालात तो वाकयात हैं, मतलब किस किस पे हल्ला बोला हुआ है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी तुम्हें तो छोड़ना नहीं है, और फिर वो कह रहे हैं अच्छा मुझे नहीं छोड़ना, तो चलो ठीक है फिर ऐसी की तैसी मैं भी करता हूँ। वो भी अड़ गए, वो कह रहे हैं बैठे हुए हैं चलो। अब खैर उस पर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसा भी है कि लोग ये कहते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब, तो तब भी ऐसा होता है कि कोई और हल ना निकल रहा हो तो यही हल निकल रहा है, चढ़ाई कर दो किसी दूसरे मुल्क में और ही तरफ निकल जाए मुल्क। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई सिचुएशन या हालात तो वाकई था। लेकिन हम इसको ऑब्वियसली भाई दो हमेशा से 75 साल हो गए हमारे जैसे जैसे ताल्लुकात हैं, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है, हम इसको ले सकते हैं कि पाकिस्तान को दिखाया गया है, ये बताया गया है कि देख लें हम तैयार हैं और हमें अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, ये जो वो उनको दिखाने की ज़रूरत क्या है, वैसे एक बात ये भी है वो दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अरेबियन सी में दिखा रहे हैं, तो उनके तो जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के दूसरे मुल्क, जर्मनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है वहाँ पर, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का जो है वो एग्रीमेंट करेगा उनके साथ, और इतने कंट्रीज़ हैं जो वो इसराइल की उनके साथ जो दोस्ती हैं वो आपको पता है, और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुक है। अच्छा अगर हम ये देखें कि ये अरब कंट्रीज़ को दिखाने के लिए, तो ये यानी उनकी तो किसी के साथ वहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है ताल्लुकात के, वो सऊदी अरेबिया को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं यूएई को। लेकिन अब इसमें एक आखिरी एंगल पे मैं बात करूँगा, आपको पता है कि अलाइंसेस बन रहे हैं, एक बड़ा अलाइंस जो इस वक्त नज़र आ रहा है ना वो चाइना और अरेबियन कंट्रीज़, पाकिस्तान, रशिया भी आइंदा आने वाले दिनों में अभी भी है, ये जो है ना ये एक ग्रुप है ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं, आप जानते हैं कौन से कंट्रीज़ हैं, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, इंडिया और फिर आप नेटो की तरफ निकल जाएं और फिर अमेरिका और ये सब। तो उसमें भी कि भाई क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से कुछ दिनों से ईरान, पाकिस्तान, चाइना और सऊदी अरब, इनके बहुत गहरे ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपको याद हो कि हमारे आर्मी चीफ ने कहाँ कहाँ का विज़िट किया है, कतर, अम्मान, सऊदी अरेबिया, फिर चाइना, और उसके बाद बरतानिया से भी आना जाना ये सब चलता रहा है, और इसके अलावा मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके तो विज़िट खैर वहाँ उनके भी हुए हैं इस तरीके से, लेकिन ये वाले ज़्यादा हुए हैं जो मैंने आपको बताए। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हमने अपनी कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी कुछ मंडियाँ भी खोल दी, कि वो वाली मंडियाँ जो कि बॉर्डर के साथ ट्रेड जो हो रही है वो भी हमने ऊपर, यानी ऐसे कुछ एक्शंस नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले रहे हैं जो इससे पहले नहीं थे। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये जो कंट्रीज़ हैं इनका एक अलग से ग्रुप बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली इंडिया तो नहीं है ना साथ, इंडिया तो अलग है इससे, तो फिर वो भी हो सकता है थ्रेट महसूस कर रहे हों, और या फिर हम अगर उनके अरेबियन सी में दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसमें सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स और क्या क्या कुछ है उससे अगर हम थ्रेट महसूस कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो एक अलाइंस बन रहा है उससे वो भी महसूस करें। वैसे ये बात नहीं है ऐसी, मेरा ख्याल है कि वो कर रहे होंगे ऐसा कुछ थ्रेट, लेकिन देख तो सभी रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है खैर कि कौन किसके साथ शामिल हो रहा है। ये जो है INS विक्रांत, उसकी जब पहले भी खबरें आई थी, हमने भी आप तक खबरें ये पहुँचाई थी, तो ऐसा ही है, आप इसको पावर प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, थोड़ा शो वो भी बंदा मार ही लेता है कभी कभार, दिल कर देता है उसका, लेकिन इसके अलावा और भी इसके पीछे बहुत सारे मोटिव्स भी हो सकते हैं, मकसद भी हो सकते हैं, और वो उनकी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इसका एक आखिरी एंगल ये है कि आपको याद होगा कि 5-6 दिन पहले एक वीडियो दिखाई दी थी जिसमें एक चाइनीज़ वॉरशिप जो था वो US का जो एक शिप था उसके नज़दीक आया था,
तो उसमें जो चाइना और यूएस का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि यूएस के कहने पर जो है वो ये हुआ है या चाइना को वो दिखाने के लिए। तो हाँ, अपने लिए ये हो सकता है, इसकी वजह ये कि चाइना की उस तरफ से जो बात की जा रही है एक्सपेंशन की, और ताइवान के साथ जो सिलसिला चल रहा है चाइना का, तो उसमें भी ये बताया जा सकता है कि भाई ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फिर हम भी तैयार हैं, कोई भी तैयार है। अब इसको हम देखें इसके मुतालिक, ये अब हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई आए स्टैंड्स कि ये था या इसलिए किया गया था, अभी तो हम यही बात कर सकते हैं। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।